हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो जैसा कि आपको पता है, हमारी यूजीसी नेट की रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम सारे टॉपिक्स को ब्रीफली कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, दैट इज इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। सो जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर हम इनकम टैक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और वो कैसे आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, हम इसको भी एक बार डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। सो देखिए, अगर हम बात करें इनकम टैक्स यूनिट की, तो ये है आपकी यूनिट नंबर 10। सो देखिए, आपको पता होगा कि हर एक यूनिट से अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो पास्ट ईयर पेपर के अंदर देखा गया है, इनकम टैक्स से अप्रोक्सीमेटली आपसे 10 to 11 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो ये यूनिट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इनकम टैक्स यूनिट की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले आपका बेसिक कंसेप्ट, सेकेंड है आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन और थर्ड है आपका कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। सो देखिए, अगर हम बात करें बेसिक कंसेप्ट की, तो यहाँ आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या है, सेट ऑफ के प्रोविजंस क्या क्या हैं, कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस क्या क्या हैं, क्लबिंग के प्रोविजंस क्या क्या हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज डिडक्शंस। ओके, तो ये आपके बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर कवर होते हैं। एडवांस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली आपके क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन, दैट इज इसके अंदर आपका डबल टैक्सेशन आ जाता है, आपका ट्रांसफर प्राइजिंग आ जाता है। और देखिए, कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग ये बेसिकली ऐड किया गया है जून 2019 के बाद से, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी कवर होती हैं। देखिए, यहाँ बेसिकली स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशन के अंदर आप अपनी टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं, तो ये आपकी चीज़ें कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर हैं। इसके अलावा आपका क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं, देखिए एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है, आप ई फाइलिंग कैसे कर सकते हैं, टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, तो ये सारे कंसेप्ट आपके कहाँ कवर हो रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर। सो हम इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप यहाँ पे कोर्स कंटेंट देख सकते हैं, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के पार्ट हैं। ओके, ये आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन है और ये है आपका कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अब देखिए, यहाँ पे बेसिकली पास्ट ईयर पेपर के अंदर क्या देखा गया है कि जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो देखिए, आउट ऑफ टोटल 10 क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 क्वेश्चंस आपके बेसिक कंसेप्ट से पूछे जाते हैं, और इसके अलावा बाकी जो 2-3 क्वेश्चंस होते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं, आपके एडवांस पोर्शन से। तो आपके यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना काफी जरूरी है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट से। सो देखिए, यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया है कि जो आपका इनकम टैक्स है, ये यूनियन लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। तो देखिए, आपको पता होगा इंडिया के अंदर 3 लिस्ट गिवन है आपको। सबसे पहला होता है आपका यूनियन लिस्ट, सेकंड आपका स्टेट लिस्ट एंड थर्ड आपका कॉन्करेंट लिस्ट। सो देखिए, यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट मैटर होते हैं उनसे रिलेटेड लॉस कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट मैटर होते हैं उनसे रिलेटेड लॉस कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट। और जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड लॉस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर बनाते हैं। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली आपका जो इनकम टैक्स है वो यूनियन लिस्ट के अंदर गिवन है, दैट इज इनकम टैक्स से रिलेटेड लॉस कौन बना सकता है, यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नाउ यहाँ पे आपको टाइमलाइन गिवन है। सो देखिए, टाइमलाइन के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसके अंदर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बट यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो आपसे फैक्चुअली पूछी जा सकती है, जैसे कि गिफ्ट टैक्स कब इंट्रोड्यूस किया गया। सो देखिए, आपका गिफ्ट टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया 1958 के अंदर, एक्सपेंडिचर टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया 1957 के अंदर, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया 1957 के अंदर। नाउ रिसेंटली वेल्थ टैक्स को एबॉलिश भी कर दिया गया था इन द 2016, तो यहाँ पे 2016 के अंदर वेल्थ टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया। ओके, गिफ्ट टैक्स को भी एबॉलिश कर दिया गया था इन द ईयर 1998, तो ये सब आपसे फैक्चुअली पूछा जा सकता है, इसके अलावा टाइमलाइन में से ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नाउ आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ की। तो यहाँ बेसिकली इनकम टैक्स लॉ के अंदर क्या क्या सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हैं। सो देखिए, यहाँ बेसिकली 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं इसके। सबसे पहला आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेकेंड आपका इनकम टैक्स रूल 1962, थर्ड है आपका सर्कुलर्स एंड फोर्थ है आपके नोटिफिकेशन। सो देखिए, इनकम टैक्स एक्ट जो है वो स्टैटिक पार्ट होता है, इसके अंदर मेजर चेंजेस नहीं किए जाते हैं। सेकेंड होता है आपके इनकम टैक्स रूल्स। तो यहाँ बेसिकली रूल्स क्या बताता है कि अगर आप इनकम टैक्स फाइल करने जा रहे हैं तो आप कौन कौन से फॉर्म यूज कर सकते हैं, आप कौन कौन से फॉर्म यूज करने के लिए एलिजिबल हैं, तो ये सब चीज़ें आपके इनकम टैक्स रूल्स के अंदर आती हैं।
सर्कुलर्स क्या होते हैं? देखिए, सर्कुलर्स बेसिकली सीबीडीटी इशू करता है। अगर मान लीजिए इनकम टैक्स के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन दिया गया है जो कि क्लियर नहीं है, उसका मीनिंग सर्टेन नहीं है कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, तो उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी इशू करता है कि इसका क्या मीनिंग है, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। ओके, फोर्थ होता है नोटिफिकेशन। सो देखिए, कोई भी चेंजेस किए जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो यहाँ बेसिकली उसको नोटिफाई कौन करता है? सीबीडीटी। ओके, तो इसको नोटिफिकेशन के थ्रू इशू किया जाता है। तो ये चारों आपके इनकम टैक्स लॉ के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, रूल क्या कहता है इनकम टैक्स का? देखिए, यहाँ बेसिकली आपका जनरल रूल है। जनरल रूल आपका ये कहता है कि जो भी आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम है वो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसका असेसमेंट किया जाएगा। ओके, नाउ एक्सेप्शन टू द रूल क्या कहते हैं? जो भी आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम है उसमें प्रीवियस ईयर पे ही टैक्स लगाया जाएगा, उसको करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर लाकर यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर उस पर असेसमेंट नहीं किया जाएगा। ओके, तो यहाँ कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर पे ही टैक्स लगाया जाता है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसके पॉइंट्स को याद करके जाइए अच्छे से। देखिए, यहाँ पे कुछ कंडीशन गिवन है। अगर आप शिपिंग बिजनेस में है और आप नॉन रेजिडेंट है। ओके, सेकेंड आपका अगर आप इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं। थर्ड है एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अगर ये किसी भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए फॉर्म हुआ है और वो पर्पज पूरा हो चुका है। ओके, तो यहाँ बेसिकली उसका जो टैक्सेशन होगा वो प्रीवियस ईयर के अंदर ही कर दिया जाएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे क्या गिवन है? पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। सो टैक्स को अवॉइड करने के लिए बेसिकली कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है तो यहाँ बेसिकली उसकी प्रीवियस ईयर के अंदर ही उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। ओके, डिसकंटिन्यूज बिजनेस, तो यहाँ बेसिकली आपका बिजनेस अगर डिसकंटिन्यू हो रहा है तो उसका जो टैक्सेशन होगा, उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी होगी वो आपको प्रीवियस ईयर के अंदर ही पे करनी होगी। ओके, नाउ स्लैब रेट। सो देखिए, अगर हम बात करें स्लैब रेट की तो आपसे यहाँ से डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है कि स्लैब रेट के अंदर क्या क्या रेट्स हैं, बट यहाँ बेसिकली जून 2019 के पेपर के अंदर क्या पूछा गया है, आपको एक कंडीशन दे दी गई है और आपको यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करना है। ओके, सो देखिए, यहाँ पे बेसिकली क्या देखा गया था उसके अंदर कि आपको उसके लिए आपको स्लैब रेट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको यहाँ पे रिबेट की नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन सेस की नॉलेज होनी चाहिए, और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडर सेक्शन 288B जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी होती है उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है नियरेस्ट 10 के मल्टीपल पे। ओके, तो ये प्रोविजन जिसको नहीं पता था, यहाँ बेसिकली बहुत सारे बच्चे उसको गलत करके आए हैं। ओके, तो जिसको भी ये चारों कंडीशंस पता थी उन्होंने उस क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट किया है। ओके, सो देखिए, यहाँ पे बेसिकली आपका जो स्लैब रेट होता है ये तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। अगर आप नॉर्मल रेजिडेंट हैं और आपकी एज 60 से कम है। सेकेंड, अगर आप नॉर्मल रेजिडेंट हैं और आपकी एज 60 से ज्यादा है बट 80 से कम है, दैट इज सीनियर सिटीजन। और अगर आप 80 से ज्यादा की एज के हैं, दैट इज सुपर सीनियर सिटीजन। तो इन तीनों केसेस में जो स्लैब रेट होते हैं वो अलग होते हैं। ओके, बट देखिए, यहाँ पे बेसिकली जो आपका लोअर स्लैब होता है वो अलग होता है बट अपर स्लैब सभी के लिए सेम है। देखिए कैसे हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नॉर्मल एजेंट जिसकी एज 60 से कम है उसके लिए क्या स्लैब रेट है? 250,000 रुपीज तक उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी होगी वो नील होगी। ओके, नाउ यहाँ पे बेसिकली सीनियर सिटीजन के लिए क्या है? 3 लाख रुपीज तक उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो नील है। ओके, और यहाँ बेसिकली सुपर सीनियर के लिए क्या है? 5 लाख रुपीज तक उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ओके, इसके अलावा इसके अंदर बाकी सारी चीजें सेम है, टैक्स रेट भी सेम है। ओके, नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ बेसिकली क्या बोला जाता है, अगर आपकी इनकम 3,50,000 रुपीज से कम है फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। देखिए, अभी के करंट के असेसमेंट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, असेसमेंट ईयर 2019-20। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया, अगर असेसमेंट ईयर 2019-20 के अंदर आपकी जो इनकम है वो 3,50,000 रुपीज से कम है। ओके, सो जो भी आपका टैक्स लाइबिलिटी होगी, जो भी आपका टैक्स पेबल होगा, उस पर आपको डायरेक्ट डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A, जिसका अमाउंट कितना है? 2,500 रुपए। सो देखिए, यहाँ पे आपको 2,500 रुपए का डायरेक्ट डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 87A। ओके, तो यहाँ बेसिकली इनकम लिमिट कितनी है? 3,50,000। और यहाँ पे बेसिकली आपको रिबेट कितनी प्रोवाइड की जा रही है? 2,500 रुपीज की। तो ये किसके लिए? असेसमेंट ये 2019-20 के लिए। बट रिसेंटली बजट के अंदर इसके अंदर कुछ चेंजेस लाए गए, और चेंजेस क्या थे? देखिए, असेसमेंट ईयर 2020-21 से यहाँ इसको चेंज कर दिया गया, यहाँ पे इसको चेंज कर दिया गया, यहाँ पे बेसिकली इनकम लिमिट भी चेंज कर दी गई, और यहाँ पे जो आपके रिबेट का अमाउंट है इसको भी चेंज कर दिया गया। ओके, सो देखिए, इनकम लिमिट को बढ़ाकर यहाँ पे इसको 5 लाख कर दिया गया,
फ्रॉम 3,50,000 और रिबेट का जो अमाउंट था इसको बढ़ाकर 12,500 कर दिया गया। ओके सो देखिए यहाँ पे बेसिकली ये भी कहा गया इफेक्टिवली जो भी टैक्स होगा जिसकी भी इनकम 5 लाख रुपीज से कम है उस पर जो टैक्स लाइबिलिटी होगी वो नील होगी। ऐसा कैसे हो सकता है देखिए अगर हम बात करें इनकम टैक्स स्लैब की तो यहाँ आपको पता होगा कि 5 लाख रुपीज तक की इनकम पे आपको कितना टैक्स पे करना होता है 5%। ओके सो देखिए 2,50,000 रुपीज तक की इनकम आपकी नील होगी 2,50,000 से 5 लाख तक की इनकम पे आपको कितना टैक्स देना है 5%। सो अगर आप 2,50,000 से 5 लाख तक की इनकम निकालेंगे तो कितना आएगा 2,50,000। ओके इसका 5% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 12,500। और देखिए यहाँ पे ये भी बोला गया कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज तक है तो आपको रिबेट कितनी मिल जाएगी 12,500 की। तो इफेक्टिवली जो अभी आपको टैक्स पे करना होगा वो कितना हो जाएगा 0। ओके तो इस बेसिस पे यहाँ पे क्या कहा गया कि जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी होगी अप टू 5 लाख रुपीज तक की इनकम वो टैक्स लाइबिलिटी आपकी कितनी होगी 0। ओके नाउ तो यहाँ पे आप इन दोनों के रेट्स को याद कर सकते हैं। ओके अगला है आपका फर्म्स LLP एंड कंपनी पे क्या टैक्स रेट एप्लीकेबल है। सो देखिए फर्म और LLP जो डायरेक्ट टैक्स लगता है वो है 30%। ओके देखिए यहाँ पे बेसिकली हम असेसमेंट ईयर 2019-20 की बात कर रहे हैं जो कि करंट का असेसमेंट ईयर है। ओके यहाँ पे जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं बजट के अंदर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके देखिए कंपनीज के ऊपर यहाँ पे दो टाइप की कंपनीज होती हैं आपकी, सबसे पहले होती है आपकी डोमेस्टिक कंपनी, सेकेंड होती है आपकी फॉरेन कंपनी। सो देखिए जो भी डोमेस्टिक कंपनी होती है उसके अंदर दो क्राइटेरिया है, अगर आपका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है तो यहाँ बेसिकली उस पर टैक्स रेट कितना होगा 25%। अगर आपका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर टैक्स रेट कितना होगा 30%। ओके फॉरेन कंपनी के केस में क्या है फ्लैट रेट है 40%, बट अगर मान लीजिए फॉरेन कंपनी को रॉयल्टी रिसीव हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो यहाँ बेसिकली उस पर कितना टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा 50%। ओके तो ये बहुत ही स्पेशल केस है, अदरवाइज फॉरेन कंपनीज पे डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है 40%। ओके और डोमेस्टिक कंपनी पे कितना है 25% एंड 30% बेस्ड ऑन टर्नओवर। ओके नाउ रिसेंटली इसके अंदर भी चेंज किया गया तो यहाँ बेसिकली कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया गया है और उसको कितना कर दिया गया है 22%। पहले कितना था ये 25% एंड 30% बेस्ड ऑन टर्नओवर, अब यहाँ सभी के लिए बेसिकली इसको कितना कर दिया गया 22%। और ये कब से एप्लीकेबल है असेसमेंट ईयर 2020-21 से। ओके तो आप इस चेंज को भी याद रखिए यहाँ बेसिकली असेसमेंट ईयर 2020-21 से कितना कॉर्पोरेट टैक्स हो गया है 22%। अब देखिए यहाँ पे 22% के साथ साथ कुछ सरचार्ज भी लगता है। ओके तो अगर आप इसके अंदर सरचार्ज वगैरह भी ऐड कर देंगे या जो भी सेस है वगैरह वो सब ऐड कर देंगे तो ये इफेक्टिवली 25% आ जाता है। ओके बट यहाँ पे बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि टैक्स रेट को कितना रिड्यूस कर दिया गया है 22% कर दिया गया सभी के लिए। यहाँ बेसिकली टर्नओवर को कोई बेसिस नहीं बनाया गया कि यहाँ पे टर्नओवर के बेसिस पे टैक्स रेट अलग अलग होंगे, सभी के लिए 22% टैक्स रेट कर दिया गया है। ओके तो ये था फॉर्म LLP एंड कंपनीज का। नाउ सरचार्ज, देखिए सरचार्ज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, बट यहाँ पे बेसिकली डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी पे कितना सरचार्ज लगता है आप इसको याद रख सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर लोकल अथॉरिटी पे कितना लगता है सरचार्ज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ओके सो देखिए डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो अगर आपका टोटल इनकम 1 करोड़ रुपीज से कम है तो आप पे कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। ओके चाहे आपकी डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी कोई भी हो। ओके नाउ अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से कम है तो उस पर कितना सरचार्ज लगेगा 7% फॉर डोमेस्टिक कंपनी। ओके सिमिलरली अगर आपकी टोटल इनकम 10 करोड़ रुपीज से ज्यादा है तो उस पर कितना लगेगा 12%। तो ये 7 और 12 का लोचा आप याद रखिए। सेकेंड अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से कम है फॉर फॉरेन कंपनी तो उस पर कितना सरचार्ज है 2%। ओके और अगर आपकी इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर कितना सरचार्ज है 5%। तो आप इसको एक चीज याद रखिए यहाँ पे कि बेसिकली फॉरेन कंपनीज के ऊपर सरचार्ज कम है बट टैक्स रेट ज्यादा है। ओके सरचार्ज यहाँ पे फॉरेन कंपनीज पे कम है बट टैक्स रेट यहाँ पे ज्यादा है, दैट इज 40% है। और यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी पे सरचार्ज ज्यादा है बट यहाँ पे क्या है टैक्स रेट जो है वो कम है। ओके आगे बढ़ते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। तो देखिए अभी तक हमने स्लैब रेट की बात की और टैक्स रेट की बात की, अब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की। तो अगर हम बात करें रेजिडेंशियल स्टेटस की तो यहाँ आपसे किसी भी इंडिविजुअल का, कंपनी का,
या फॉर्म LLP का रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा जा सकता है। ओके, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस आपको वो याद रखनी है। सबसे पहले हम निकालना सीखते हैं किसी भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, ओके, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने की, तो यहाँ पे दो स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि क्या वो रेजिडेंट है या नहीं है। अगर वो रेजिडेंट है तब हम ये निकालते हैं क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ओके, सो देखिए, अगर हम बात करें इंडिविजुअल्स की, तो यहां बेसिकली अगर कोई भी पर्सन 182 डेज से ज्यादा इंडिया के अंदर रहा है तो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा। ओके, बट मान लीजिए अगर वो 182 डेज की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम उसको एक और चांस देंगे। हम कहेंगे कि अगर आप इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो तब भी आपको हम रेजिडेंट मान लेंगे। ओके, तो ये दोनों कंडीशन क्या है, आप 60 डेज से ज्यादा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर इंडिया के अंदर रहे होने चाहिए, और इसके अलावा आप 365 डेज से ज्यादा इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स के अंदर आप इंडिया के अंदर रहे होने चाहिए। अब ये बेसिकली रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है और इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या है। देखिए, मान लीजिए आपका जो असेसमेंट ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2019-20, ओके, तो आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा यहाँ पे, बेसिकली 2018-19, तो इसी को बेसिकली रेलेवेंट प्रीवियस ईयर बोला जाता है। ओके, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और इससे पहले वाले जितने भी प्रीवियस ईयर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ओके, तो यहाँ बेसिकली आप रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर कितने रहे होने चाहिए, कितने दिन, 60 डेज, और उससे पहले पिछले 4 सालों में आप रहे होने चाहिए 365 डेज। ओके, तो ये दोनों कंडीशन में अगर आप एक साथ सेटिस्फाई कर जाते हैं तो भी आप रेजिडेंट माने जाएंगे। ओके, सो अगर मान लीजिए आप इन दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं और आप 182 डेज वाले भी नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या माने जाएंगे, नॉन रेजिडेंट। और अगर मान लीजिए आप इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाते हैं, ओके, तो आप क्या माने जाएंगे, रेजिडेंट। बट अगर आप मान लीजिए रेजिडेंट बन गए, तो अब आपको क्या डिसाइड करना है, तब यहाँ पे बेसिकली इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या डिसाइड करेगी कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। सो देखिए, इसके लिए भी दो कंडीशंस हैं। पहली क्या है, आप इंडिया के अंदर रेजिडेंट होने चाहिए 2 सालों के लिए आउट ऑफ पिछले 10 साल। ओके, पिछले 10 सालों के अंदर आप 2 साल इंडिया के अंदर रेजिडेंट होने चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है एक साथ। सेकेंड कंडीशन ये है, आप 730 डेज से ज्यादा रहे होने चाहिए इंडिया के अंदर पिछले 7 सालों में। ओके, तो यहाँ दो कंडीशन है। सबसे पहली क्या है, आप पिछले 10 सालों में 2 साल के लिए रेजिडेंट होने चाहिए इंडिया के अंदर। सेकंड, पिछले 7 सालों में आप 730 डेज से ज्यादा इंडिया के अंदर रहे होने चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर लेते हैं तो आप क्या बन जाएंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर आप इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर आप दोनों ही नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या बन जाएंगे, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, आप रेजिडेंट तो हैं बट ऑर्डिनरी नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप एक दो बार पढ़ेंगे इसको तो आप इजिली रिमेंबर कर पाएंगे। ओके, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सो देखिए, यहाँ पे बेसिकली इसका बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे है। सो जहाँ पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होगा वहाँ पे उसका रेजिडेंस होगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंप्लीटली या पार्शली इंडिया के अंदर है तो क्या होगी, इंडिया का रेजिडेंट होगी। ओके, अगर थोड़ा भी नहीं है इंडिया के अंदर क्या होगी, नॉन रेजिडेंट। ओके, नाउ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो देखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की अगर हम बात करें तो यहाँ बेसिकली इंडिविजुअल का ही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज किया जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए। ओके, यहाँ देखिए क्या बोला गया है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे है। ओके, अगर वो इंडिया के अंदर है तो यहाँ पे वो क्या होगी, रेजिडेंट होगी। अगर इंडिया के अंदर नहीं है तो नॉन रेजिडेंट होगी। बट यहाँ पे उसके लिए भी हम क्या निकालते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो इसके लिए बेसिकली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो कर्ता होता है, दैट इज जो हेड होता है फैमिली का, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस हम निकालते हैं और इसके बेसिस पे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेजिडेंशियल स्टेटस पता कर सकते हैं। ओके, सो देखिए, कर्ता के लिए भी यही कंडीशन है, पिछले 10 सालों के अंदर वो 2 साल इंडिया के अंदर रहा होना चाहिए, दैट इज 2 साल के लिए वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है, पिछले 7 सालों में वो 730 डेज से ज्यादा इंडिया के अंदर रहा होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर लेता है तो यहाँ पे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। अगर उनके अंदर से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या फिर दोनों ही नहीं कर रहा है तो क्या माना जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, तो देखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड इंडिविजुअल, केवल इन्हीं दोनों के लिए ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी निकाला जाता है, अदरवाइज बाकी सबके लिए हम क्या निकालते हैं, केवल रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट की कंडीशन। ओके, अगला है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। सो देखिए, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि कोई भी कंपनी अगर इंडियन है, दैट इज इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई है, तो हमेशा ही इंडिया का रेजिडेंट होगी। ओके,
बट फॉरेन कंपनी के अंदर हम ये देखते हैं कि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे है। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, इंडियन कंपनी हमेशा क्या होगी, रेजिडेंट। अगर वो नॉन इंडियन कंपनी है तो उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे है, अगर इंडिया के अंदर है तो क्या होगी, रेजिडेंट होगी, अगर नहीं है तो क्या होगी, नॉन रेजिडेंट होगी। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला, अगर मान लीजिए इंडियन कंपनी है तो वो इंडिया का हमेशा रेजिडेंट मानी जाएगी, अगर नॉन इंडियन है तो क्या करेंगे हम, उसका देखेंगे कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे है, तो उसके बेसिस हम क्या निकालेंगे, उसका रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस। ओके, नाउ इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉर डिफरेंट टैक्स पेयर्स, तो यहाँ बेसिकली आपसे क्या बोला गया है कि रेजिडेंट, ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट, इनके लिए फॉरेन इनकम की टैक्स लाइबिलिटी कैसे कंप्यूट की जाएगी। सो देखिए यहाँ पे बेसिकली इंडियन इनकम सभी के लिए टैक्सेबल होती है, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो और चाहे नॉन रेजिडेंट हो। अगर वो इंडिया के अंदर इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपको इंडिया के अंदर टैक्स तो पे करना ही है, बट अगर आप फॉरेन इनकम अर्न कर रहे हैं तब किसको टैक्स पे करना है और किसको टैक्स पे नहीं करना है। सो देखिए अगर आप कोई भी फॉरेन इनकम अर्न कर रहे हैं तो आप कैसे भी अर्न करें, कहीं से भी अर्न करें, अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं इंडिया के अंदर तो आपको सारी इनकम पर टैक्स पे करना होगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए कोई भी इनकम हो आपको ये टैक्सीबल होगी फॉर ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और अगर आप नॉन रेजिडेंट है और आपको कोई भी फॉरेन इनकम हो रही है तो आपको किसी भी फॉरेन इनकम पे टैक्स पे नहीं करना है। ओके, दैट इज कोई भी टैक्स पे आपको यहाँ पे नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमें रिमेंबर क्या करना पड़ता है कि अगर आप रेजिडेंट तो हैं बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, ओके, तो इस केस में बेसिकली आपकी फॉरेन इनकम की जो लाइबिलिटी होती है उसका टैक्स आपको कहाँ पे करना है। ओके, क्या वो इंडिया के अंदर टैक्सीबल है या नहीं है, तो इससे रिलेटेड आपको प्रोविजन याद करने होंगे। ओके, देखिए अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम हो रहा है जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वोली या पार्शली इंडिया के अंदर है तो उसके लिए जो टैक्स लाइबिलिटी है वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी देनी होगी। ओके, ये चाहे बिजनेस के लिए हो चाहे प्रोफेशन के लिए हो, इसके अलावा जितनी भी इनकम है इस पे बेसिकली नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को कोई भी टैक्स नहीं पे करना है इंडिया के अंदर, बट बिजनेस एंड प्रोफेशन से होने वाली कोई भी इनकम पे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्स पे करना होता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये भी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, एग्जम्प्टेड इनकम। देखिए अगर हम बात करें एग्जम्प्टेड इनकम की तो यहाँ बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले इनकम ये होती है जिसपे आपको कोई भी टैक्स पे ही नहीं करना है, सेकेंड होती है जिसके आपको सर्टेन परसेंटेज या सर्टेन अमाउंट पे टैक्स पे करना होता है, बाकी सारा एग्जम्प्ट होता है। ओके, सो यहाँ बेसिकली ये फुली एग्जम्प्ट हो सकता है या पार्शली एग्जम्प्ट हो सकता है। ओके, तो ये फुली एग्जम्प्ट कौन से हैं और पार्शली एग्जम्प्ट कौन से हैं। सो अगर हम बात करें फुली एग्जम्प्ट इनकम की तो इसके अंदर आपका आ जाते हैं शेयर इनकम ऑफ पार्टनर। सो बेसिकली अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म से कोई भी आपको इनकम हो रही है तो वो बेसिकली फुली एग्जम्प्ट है इन द हैंड ऑफ पार्टनर। सेकेंड, अगर आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से कोई भी इनकम हो रही है, अगर आपको एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिली है, तो ये सारी बेसिकली फुली एग्जम्प्ट होते हैं। ओके, पार्शली एग्जम्प्ट के अंदर क्या आता है, आपका हाउस रेंट अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, कम्यूटेड पेंशन, लिव इन कैशमेंट, वीआरएच कंपनसेशन एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें आपकी पार्शली एग्जम्प्ट होती है। तो आपको पता होगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 rupees पर चाइल्ड तक एग्जम्प्ट होता है। ओके, तो ये बेसिकली एक सर्टेन लिमिट तक एग्जम्प्ट है, इस पर आपको कंप्लीटली एग्जम्प्शन नहीं दी गई है। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इनकम के बारे में डिस्कस किया गया है जो कि एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10। ओके, सो देखिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एग्रीकल्चर इनकम। सो एग्रीकल्चर इनकम जो भी आपको होती है वो फुली एग्जम्प्ट होती है फ्रॉम इनकम टैक्स, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट का मोटिव ये है कि लोग अपने एग्रीकल्चर के प्रोफेशन को ना छोड़ें और यहाँ पे बेसिकली जो फार्मर्स हैं उन पर ज्यादा बर्डन ना आए। ओके, यहाँ बेसिकली फार्मर्स की इनकम भी काफी मार्जिनल होती है तो यहाँ पे उन पर ज्यादा बर्डन ना आए, इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम को फुली एग्जम्प्ट रखा गया है। अब देखिए एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ अगर आप एग्रीकल्चर लैंड पे कुछ और भी काम कर रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है तो वो भी एग्जम्प्ट है। ओके, इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को एज अ फार्म हाउस यूज कर रहे हैं तो फार्म हाउस से होने वाली इनकम भी एग्जम्प्ट है। तो ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड। सो अगर आपने मान लीजिए एग्रीकल्चर लैंड को रेंट पे दे रखा है, ओके, सो जो भी आपका टेनेंट है, ओके, जो भी आपका टेनेंट है अगर मान लीजिए वो एग्रीकल्चर लैंड पे एग्रीकल्चर का ही काम कर रहा है तो जो भी आपको रेंट मिला है यहाँ पे बेसिकली वो भी एग्जम्प्ट है फ्रॉम इनकम टैक्स। ओके, सेकंड क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग से ही रिलेटेड है तो वो भी एग्जम्प्ट है फ्रॉम इनकम टैक्स। थर्ड है, अगर मान लीजिए आपने एग्रीकल्चर लैंड को फार्म हाउस बना दिया, ओके, तो यहाँ पे वो भी फार्म हाउस से होने वाली इनकम भी आपकी एग्जम्प्ट होगी।
फोर्थ क्या आप क्या, अगर मान लीजिए आप एग्रीकल्चर लैंड के अंदर नर्सरी का काम कर रहे हैं, ओके, नर्सरी दैट इज प्लांट वगैरह को ग्रो करने का काम कर रहे हैं, ओके, तो ये भी बेसिकली आपकी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएगी और यहाँ पे ये भी आपकी एग्जम्प्ट होगी फ्रॉम इनकम टैक्स। नेक्स्ट है आपका एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में आपको पता होगा, इसका असेसमेंट अलग से किया जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे अलग से टैक्स लगाया जाता है। सो अगर मान लीजिए एग्रीगेट पे टैक्स लग चुका है तो उसके मेंबर्स पे टैक्स लगाने का तो कोई मतलब है नहीं, इसीलिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे टैक्स लगने के बाद जो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर मेंबर्स हैं, ओके, उन पे अलग से इंडिविजुअल टैक्स नहीं लगाया जाता है, ओके। थर्ड आपका शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म, यहाँ पे भी सेम केस है, बेसिकली फर्म पे यहाँ पे टैक्स लग चुका है तो यहाँ पे बेसिकली फर्म के अंदर जितने भी मेंबर्स है उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। यही सेम केस आपको कंपनीज के अंदर भी पता होगा कि बेसिकली जब भी कंपनी जो भी होती है यहाँ पे वो टैक्स देने के बाद डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो इसीलिए बेसिकली डिविडेंड जो इनकम होती है वो एग्जम्प्ट होती है इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। यही बेसिकली यहाँ पे मोटिव है इसका डिविडेंड इनकम के एग्जम्प्ट होने का, ओके। नाउ इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेजिडेंट, अगर मान लीजिए कोई भी नॉन रेजिडेंट है उसको कोई भी इनकम हुई है बाई वे ऑफ इंटरेस्ट, और वो कौन से इंटरेस्ट पे हुई है, कोई भी नोटिफाइड बॉन्ड है, ओके, तो यहाँ बेसिकली कोई भी नोटिफाइड सिक्योरिटी है, कोई भी नोटिफाइड बॉन्ड है, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट इनकम हुई है नॉन रेजिडेंट को वो एग्जम्प्ट है फ्रॉम इनकम टैक्स, ओके। नेक्स्ट आपका ग्रेच्युटी, तो देखिए ग्रेच्युटी के बारे में आपको पता होगा 20 लाख रुपीज तक एग्जम्प्ट होती है, बट देखिए ग्रेच्युटी से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ये बेसिकली ग्रेच्युटी का जो अमाउंट होता है ये गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए फुली एग्जम्प्ट होता है, अदर इंप्लॉयज के लिए बेसिकली 20 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, बेस्ड ऑन डिपेंड करता है कि वो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड है या नहीं है, ओके। तो यहाँ बेसिकली इससे रिलेटेड प्रोविजन हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, ओके। चलिए नेक्स्ट आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर वेरियस हेड्स। तो आपको पता होगा कि आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, सबसे पहला आपका सैलरी इनकम, सेकेंड होता है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड होता है आपका कैपिटल गेन, फोर्थ होता है आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन, फिफ्थ होता है आपका अदर सोर्सेस, ओके। सो अगर आपके मान लीजिए पिछले 4 हेड्स के अंदर कोई भी इनकम नहीं आ रही है तो वो 5वें के अंदर आ जाएगी। सो देखिए अगर हम बात करें इनकम फ्रॉम सैलरी की तो यहाँ बेसिकली ये 3 सेक्शन के अंदर कवर्ड है, अंडर सेक्शन 15, 17 एंड 16, ओके। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, डियरनेस अलाउंसेस के बारे में आपको पता होगा ये बेसिकली क्या होता है आपका महंगाई भत्ता, तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है यहाँ पे बेसिकली आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट किया जाता है, ओके। तो ये होता है आपका डियरनेस अलाउंस। नाउ एचआरए, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके अंदर बेसिकली 3 कंडीशंस हैं और जो भी मिनिमम होता है वो आपका एचआरए माना जाता है और उसको एग्जम्प्ट किया जाता है फ्रॉम इनकम टैक्स, ओके। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली कंडीशन क्या है, जो भी आपको एचआरए रिसीव हुआ है, जो भी आपने रेंट पे करा है इसके अंदर से आप 10% ऑफ सैलरी माइनस कर देंगे। थर्ड है आपका 50% ऑफ सैलरी अगर आप मेट्रो सिटीज में है एंड 40% ऑफ सैलरी अगर आप नॉन मेट्रो सिटी के अंदर है, ओके। तो मेट्रो में आपको पता होगा 4 सिटीज आती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, और बाकी सिटीज कितने अंदर आ जाएंगी, नॉन मेट्रो सिटीज के अंदर, ओके। तो इनके अंदर से जो भी आपका मिनिमम होगा वो एग्जम्प्ट होगा, ओके, एज अ एचआरए। चिल्ड्रन एजुकेशन आपको पता होगा 100 रुपीज पर मंथ होता है अप टू 2 चिल्ड्रंस, ओके। ऐसे ही हॉस्टल अलाउंस कितना होता है चिल्ड्रंस के लिए, 300 पर मंथ अप टू 2 चिल्ड्रंस, ओके। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के अंदर देखिए एक मेजर चेंज लाया गया है, क्या चेंज लाया गया है, जो भी नॉर्मल पीपल है उनको जो भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता था वो बेसिकली पहले क्या होता था, एग्जम्प्ट होता था अप टू 1600 रुपीज पर मंथ, बट बेसिकली अब इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। बट यहाँ पे जो भी इम्प्लॉयज, जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड इम्प्लॉयज हैं उनके लिए 3200 रुपीज पर मंथ तक एग्जम्पशन अभी भी प्रोवाइड की जाती है, ओके। सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, 3200 रुपीज पर मंथ फॉर ब्लाइंड, डीफ, डम्ब एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड इम्प्लॉयज, ओके, बाकी सभी के लिए फुली टैक्सेबल होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि ये बेसिकली गवर्नमेंट इंप्लॉयज को ही मिलता है, ओके, प्राइवेट इंप्लॉयज के लिए एग्जम्पशन इसमें अंदर कोई नहीं है। और गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए एग्जम्पशन कहाँ दी जाती है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे 3 कंडीशन है, इसके अंदर से इन तीनों में से जो भी मिनिमम होता है उतने की एग्जम्पशन प्रोवाइड की जाती है टू द गवर्नमेंट इंप्लॉयज ओनली, ओके। और ये क्या कंडीशन है, 5000 रुपीज, 1/5 ऑफ बेसिक पे, बेसिक पे के अंदर आपका केवल बेसिक पे आते हैं, यहाँ पे आपका डीए, एचआरए या कोई भी परक्यूजिट अलाउंसेस नहीं आएंगे, ओके। इसके अलावा आपका एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस जो भी आपको रिसीव हुआ है इसके अंदर से जो भी मिनिमम होगा वो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, ओके। ग्रेच्युटी के प्रोविजन के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ग्रेच्युटी का जो भी आपको अमाउंट मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली कंप्लीटली एग्जम्प्ट होता है ओनली फॉर गवर्नमेंट इंप्लॉयज,
ओके और जो नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉइज है उनके लिए क्या है, देखिए अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड है तो उनको 20 लाख रुपीज तक की एग्जेम्पशन दी गई है, और अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है तो उनको 10 लाख रुपीज तक की एग्जेम्पशन दी गई है। इसके अलावा कुछ फर्दर कंडीशंस भी हैं, आई डोंट थिंक वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप उसे पढ़ते में तो आप उसको एग्जाम तक याद कर पाएंगे या रिटेन कर पाएंगे। ओके तो आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आप इसको यहाँ पे केवल बेसिक चीज याद रख सकते हैं कि जो भी इंप्लॉयज ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है उनके लिए एग्जेम्पशन कितनी है, 10 लाख रुपीज तक की। ओके और जो कवर्ड है उनके लिए 20 लाख, और जो भी गवर्नमेंट इंप्लॉयज है उनके लिए फुली एग्जेम्प्ट है। ओके सो ये है, आगे देखते हैं कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड पेंशन। देखिए यहाँ पे कम्यूटेड पेंशन क्या है एंड अनकम्यूटेड पेंशन क्या है। कम्यूटेड पेंशन वो होती है जो आप लमसम में रिसीव करते हैं, ओके और अनकम्यूटेड पेंशन क्या होती है जो आप पीरियोडिकली रिसीव कर रहे हैं। ओके जो भी आपकी अनकम्यूटेड पेंशन होती है वो फुली टैक्सेबल होती है। ओके अगर हम बात करें कम्यूटेड पेंशन की तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए कम्यूटेड पेंशन जो आपकी लमसम पेमेंट होती है ना, ये गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए फुली एग्जम्प्ट है। कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए फुली एग्जम्प्ट है, याद रखिए आप इसको। और जो नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉयज हैं यहाँ बेसिकली उनके लिए पार्शियली एग्जम्प्ट है। अब यहाँ पे बेसिकली पार्शियल एग्जम्पशन भी कैसे दिया गया, अब देखिए यहाँ पे बेसिकली आपको जो पेंशन का अमाउंट है अगर आप उसको ग्रेच्युटी के साथ रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ आपको अलग लेवल की एग्जम्पशन दी गई है। अगर आप केवल पेंशन रिसीव कर रहे हैं यहाँ आपको कोई भी ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो यहाँ बेसिकली आपको डिडक्शन का अमाउंट अलग है। सो देखिए अगर आप मान लीजिए आप पेंशन के साथ साथ ग्रेच्युटी भी रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ आपको कितने की डिडक्शन दी गई है, 1/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ पेंशन, 1/3 की आपको डिडक्शन दी गई है। बट मान लीजिए आपको केवल पेंशन रिसीव हो रहा है यहाँ पे कोई भी ग्रेच्युटी का अमाउंट नहीं रिसीव हो रहा है तो यहाँ आपको कितनी एग्जम्पशन दी गई है, 1/2 ऑफ द अमाउंट। ओके सो जितना भी आपको पेंशन रिसीव होगा उसका 1/2 अमाउंट एग्जम्प्ट होगा फ्रॉम इनकम टैक्स। ओके तो आप इसको याद रख सकते हैं। ओके तो देखिए इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, देखिए जो आपका कम्यूटेड पेंशन है, देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए फुली एग्जम्प्ट है, जो नॉन गवर्नमेंट है उनके लिए क्या है, अगर ये पेंशन प्लस ग्रेच्युटी एक साथ मिल रही है तो यहाँ आपका जो पेंशन का अमाउंट है इसमें कितनी एग्जम्पशन दी जाएगी, 1/3। अगर मान लीजिए आपको केवल पेंशन रिसीव हो रहा है तो यहाँ आपको कितना एग्जम्प्शन मिल जाएगा, पेंशन के अमाउंट में ही 1/2 अमाउंट का। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए अगर हम बात करें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की तो यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन। तो देखिए अगर हम बात करें किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के एनुअल वैल्यू की तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसके अंदर से हम माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स और फिर हमारा निकलता है नेट एनुअल वैल्यू। ओके सो देखिए अगर हम बात करें ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी की, लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी आपने रेंट पे दिया हुआ है तो उसके लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू अलग होती है। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसकी जो एनुअल वैल्यू होती है वो होती है निल, ओके बिकॉज उस पर कोई भी टैक्स नहीं चार्ज किया जाता है। बट अगर मान लीजिए आपने हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया हुआ है तो उसके लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, देखिए इसके अंदर चार चीजें होती है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट। ओके सो देखिए सबसे पहले हम स्टेप वन के अंदर क्या करते हैं, हायर ऑफ लेते हैं फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू का, जो भी आपका म्यूनिसिपल वैल्यू है और जो भी आपका फेयर रेंट है इसके अंदर से हायर क्या होगा हम उसको लेते हैं। ओके सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड रेंट होता है और जो भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट निकला है फ्रॉम द स्टेप वन, देखिए आपका जो फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू निकलता है इसके अंदर से हम हायर अमाउंट ले लेते हैं और उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। ओके स्टेप टू के अंदर क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट जो आपका निकला है स्टेप वन के अंदर उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से और यहाँ पे बेसिकली उसका लोअर अमाउंट लेते हैं। ओके बिकॉज यहाँ पे बेसिकली स्टैंडर्ड रेंट आपका क्या कहता है, रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर कितना रेंट चार्ज किया जा सकता है किसी भी एरिया के अंदर। ओके तो वो बेसिकली यहाँ पे एक लिमिट लगाता है, ओके ये बेसिकली एक सीलिंग है तो इससे ज्यादा आप रेंट चार्ज नहीं कर सकते तो इसीलिए बेसिकली यहाँ पे इनमें से लोअर लिया जाता है। ओके स्टेप थ्री के अंदर क्या किया जाता है, एक्सपेक्टेड रेंट जो आपका निकला है, देखिए यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रेंट है ये अलग है, ये स्टेप टू के अंदर जो हमने एक्सपेक्टेड रेंट देखा इससे अलग है। अब देखिए जो स्टेप टू के अंदर कंपैरिजन के बाद जो भी हमारा रेंट निकला है इनके अंदर से जो भी लोअर है, ओके अब वो वाला एक्सपेक्टेड रेंट माना जाएगा। ओके तो उस एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर करते हैं, जो भी आपका एक्चुअल रेंट होता है। ओके उस फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो देखिए अगर मान लीजिए आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट ले लेंगे। ओके बट अगर मान लीजिए आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है तो हम क्या करेंगे, देखिए हम ये देखेंगे कि अगर आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है बिकॉज ऑफ वैकेंसी, तो अगर वैकेंसी की वजह से कम है तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट को ही ले लेंगे।
बट अगर मान लीजिए आपका एक्चुअल एंड कम है एक्सपेक्टेड एंड से बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन जो कि अनस्पेसिफाइड है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट ही लेंगे. ओके, भले ही वो ज्यादा होगा अमाउंट, बट फिर भी हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट ही लेंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. देखिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड की प्रॉपर्टी की हाउस वैल्यू कितनी होती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीरो. डिडक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है. ओके, तो देखिए, अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, दोनों के अंदर डिडक्शन का अमाउंट अलग अलग है. अगर आपकी लेट हाउस प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है, 30% ऑफ एनएवी. जो भी आपका नेट एनुअल वैल्यू आया है जीएवी में से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करने के बाद, उस पर आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है. ओके, इसके बाद आपका क्या है, अगर आपने बोरोड कैपिटल से लिया है तो यहाँ पे जितना भी आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है वो फुली एग्जम्प्ट है. ओके, आपको जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है उसकी यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी. ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है अगर आपने लोन लिया हुआ है रिपेयर के लिए. ओके, तो अगर आपने रिपेयर के लिए लोन लिया है तो यहाँ आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल जाएगी, 30,000 rupees की. बट अगर मान लीजिए आपने लोन लिया हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आपको डिडक्शन कितना दिया गया यहाँ पे, देखिए यहाँ बेसिकली आपके पास दो कंडीशन और है, वो ये है आपने 1999 से पहले लोन लिया है या 1999 के बाद लोन लिया है. अगर आपने पहले लोन लिया तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, 30,000 rupees की. अगर आपने बाद में लोन लिया तो आपके पास दो कंडीशन है और ये दोनों एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी आपको 2,00,000 rupees की एग्जम्पशन मिलेगी. अदरवाइज आपको केवल मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 30,000 rupees की मिलेगी. ओके, तो ये दो कंडीशन क्या है, देखिए आपने जो लोन लिया है उससे आप जो भी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं वो 5 सालों के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए. ओके, सेकंड क्या है, जो भी लेंडर है उससे आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो स्पेसिफाई कर रहा है आपको कितना इंटरेस्ट पे करना होता है. ओके, तो ये दोनों कंडीशन स्पेसिफाइड होनी चाहिए. ओके, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली मेरे को जहाँ तक समझ आ रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी कि आपको एक बार में ये चीज़ याद नहीं हो पाएंगी. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं सो देट आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं. ओके, नाउ अगला है आपका प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. सो अभी तक हमने क्या किया, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन. सो देखिए, बिजनेस एंड प्रोफेशन बहुत ही वाइड है, इसको हम इजिली कवर नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से प्लांट एंड मशीनरी पे या कंप्यूटर इक्विपमेंट पे या फर्नीचर पे क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है. ओके, सो देखिए, कोई भी बिल्डिंग है जो कोई रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है एक्सेप्ट फॉर होटल्स, बोर्डिंग हाउस, तो यहाँ पे बेसिकली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या चार्ज होगा, 5%. ओके, अगर आप बिल्डिंग को नॉन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, डबल हो जाएगा, 10% हो जाएगा. ओके, नॉन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए. सिमिलरली अगर आपने कोई भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ओके, तो यहाँ बेसिकली उस पर कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, 40%. मशीनरी एंड प्लांट, ओके, मशीनरी एंड प्लांट पे कितना है यहाँ पे बेसिकली, 15%. मोटर कार के अंदर आपकी दो चीजें हैं, अगर आपने उन्हें 1999 के बाद से एक्वायर किया है तो इस पे आपको 15% का डेप्रिसिएशन अलाउंस मिलेगा. ओके, और अगर आपने मोटर कार को 23 अगस्त 2019 के बाद से एक्वायर किया है बट 1 अप्रैल 2020 से पहले अगर आप उसे एक्वायर कर लेते हैं तो यहाँ आपको कितना डेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, 30%. ओके, नाउ एरोप्लेन्स के लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. देखिए, एरोप्लेन्स, कंप्यूटर एंड इनटेंजिबल एसेट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं. तो देखिए, एरोप्लेन्स पे कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, 40%. सिमिलरली कंप्यूटर्स पे 40% और इनटेंजिबल एसेट्स पे कितना है, 25%. ओके, नाउ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. तो देखिए, बिजनेस एंड प्रोफेशन काफी वाइड है, हम उसको इजिली कवर नहीं कर सकते हैं, तो क्रैश कोर्स में हमारा फोकस यही रहेगा कि बेसिकली कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हम केवल उन्हीं पे फोकस करें. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपिटल गेन. सो देखिए, कैपिटल गेन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है कि आप किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर पाए कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है. ओके, तो यहाँ पे आपके पास कुछ कंडीशन है, अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर आपका कोई भी गुड ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा, अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा. ओके, तो कंडीशन क्या है, देखिए, इफ कैपिटल एसेट इज हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 36 मंथ और लेस,
ओके, किसी भी कैपिटल एसेट को आपने 36 मंथ से कम रखा हुआ है अपने पास, तो वो कैपिटल, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। ओके, इसके अलावा ये जो टाइम पीरियड है 36 मंथ का, इसको रिड्यूस कर दिया गया 24 मंथ तक। किस केस में? अनलिस्टेड शेयर, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो इन सब केसेस में बेसिकली 24 मंथ का टाइम पीरियड दिया गया है शॉर्ट टर्म माने के लिए। अगर मान लीजिए उससे ज्यादा आप इसको अपने पास रखते हैं तो आपके क्या होंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का पार्ट होंगे। ओके, इसके अलावा आपके पास क्या गिवन है? देखिए, इसके अलावा इसको रिड्यूस कर दिया गया है 12 मंथ तक के लिए। किस केस के अंदर? अगर आपके पास लिस्टेड सिक्योरिटी है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, ओके, आपके पास इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, जीरो कूपन बॉन्ड है, ओके, तो इन सब केसेस के लिए बेसिकली जो टाइम पीरियड है वो कितना रिड्यूस कर दिया गया? 12 मंथ का। ओके, नाउ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट क्या क्या है? सो देखिए, आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा याद रखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको टैक्स रेट पे करना होता है 15%, ओके, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको टैक्स पे करना होता है 10%। तो सिंपली बस आपको ये रेट याद रखने हैं। ओके, नाउ इसके अलावा एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको पता होगा कि हम इंडेक्सेशन का यूज करते हैं। ओके, सो देखिए, सो अगर आप इंडेक्सेशन यूज कर रहे हैं तो यहाँ आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो देना पड़ेगा वो 20% देना पड़ेगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 20% टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपने इंडेक्सेशन बेनिफिट लिया हुआ है, ओके, चाहे लिस्टेड सिक्योरिटी हो या अनलिस्टेड सिक्योरिटी हो। ओके, तो यहाँ बेसिकली आपको 20% टैक्स पे करना होगा अगर आपने इंडेक्सेशन बेनिफिट लिया है। ओके, चलिए, ये बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इसको हम आगे डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी चीज को आप शॉर्ट टर्म मानेंगे और कौन सी चीज को आप लॉन्ग टर्म मानेंगे, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो अगर हम बात करें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की, तो यहाँ आपका क्या होता है? सबसे पहले आपका डिविडेंड इनकम। सो देखिए, अगर हम बात करें डिविडेंड इनकम की, तो आपको पता होगा कभी भी आपको किसी कंपनी से डिविडेंड इनकम रिसीव हो रही है तो वो हो सकता है आपको डोमेस्टिक कंपनी से हो या फॉरेन कंपनी से हो। सो देखिए, अगर आपको कोई भी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड इनकम रिसीव हो रही है तो वो फुली टैक्सेबल होता है इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। और अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से इनकम रिसीव हो रही है, डायरेक्टली डिविडेंड इनकम हो रही है, तो वो बेसिकली एग्जम्प्ट होता है अप टू सर्टेन लिमिट, और वो लिमिट कितनी है? 10 लाख रुपीज तक की। ओके, सो अगर आपको 10 लाख रुपीज तक का डिविडेंड रिसीव हो रहा है फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो यहाँ आपको उस पर कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। ओके, बट अगर मान लीजिए वो अमाउंट एक्सीड कर जाता है, 10 लाख से अबव हो जाता है, तो उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। ओके, नाउ आगे हम बात करते हैं गिफ्ट के ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना होता है। सो देखिए, अगर मान लीजिए आपको कोई भी गिफ्ट रिसीव हुआ है, अगर उसका अमाउंट, गिफ्ट का अमाउंट 50,000 रुपीज तक है, तो आपको उस पर कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। बट अगर मान लीजिए वो गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से एक्सीड कर जाता है, 51,000 हो जाता है, तो आपको उस पर टैक्स पे करना होगा टोटल 51,000 पे। ओके, सिमिलरली अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या है और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या है। सो देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या है, यहाँ पे दो केसेस हैं। अगर मान लीजिए आपको वो चीज रिसीव हुई है विदाउट कंसिडरेशन, दैट इज आपने उसके एक्सचेंज में कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है टू द सेकेंड पार्टी, तो उस केस में अगर मान लीजिए कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर उसका मार्केट वैल्यू 50,000 रुपीज से कम है, तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। सिमिलर सा केस है बस मनी का और मूवेबल केस का। ओके, और अगर मान लीजिए आपने कंसिडरेशन के बेसिस पे किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है, तो यहाँ हम क्या करते हैं कि आपने कितना पैसा पे किया है, ओके, हम पहले ये देखेंगे, और उसके बाद आपको जो भी चीज रिसीव हुई है उन दोनों का डिफरेंशियल देखेंगे। ओके, मान लीजिए आपको 80,000 रुपीज का मूवेबल गुड रिसीव हुआ है, ओके, और आपने उसके लिए पेमेंट करी है 20,000 रुपीज, ओके, तो यहाँ बेसिकली उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 60,000, ओके, 80 माइनस 20। तो देखिए, ये बेसिकली 50,000 रुपीज से ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको टैक्स पे करना होगा। बट मान लीजिए आपको 60,000 रुपीज का गुड रिसीव होता और आपने उसके लिए 40,000 रुपीज पे करे हैं, तो यहाँ उसका बेसिकली कंसिडरेशन में डिफरेंस कितना है? 20,000 रुपीज का, तो यहाँ आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं, बिल्कुल सिमिलर केस है इमूवेबल के केस में। ओके, तो आप ये भी देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम विनिंग ऑफ लॉटरी, गेम शो, पजल। ओके, सो आपको लॉटरी से, गेम शो से या पजल से कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ है, तो उस पर फ्लैट टैक्स लगता है 30% का। ओके, इसके साथ साथ उस पर कुछ सरचार्ज भी लगता है, तो आपको टोटल जो नेट टैक्स पे करना होता है किसी भी लॉटरी इनकम, गेम शो या पजल पे, वो कितना होता है? 31.2% ऑफ द इनकम। ओके, तो ये देखिए किस किस चीजों पे लगता है, लॉटरी पे, गेम शो पे, क्रॉसवर्ड पजल पे, गैम्बलिंग पे, रेस हॉर्स या हॉर्स रेसेस पे। ओके, टीडीएस, टीडीएस कब एप्लीकेबल होता है? अगर आपको कोई भी प्राइज मनी रिसीव हो रहा है,
ओके, और वो प्राइज मनी 10,000 रुपीज से एक्सीड कर रहा है। सो जो भी बेसिकली आपको पेमेंट कर रहा है प्राइज मनी, वो बेसिकली आपका अमाउंट से TDS डिडक्ट कर सकता है। ओके, और TDS का अमाउंट कितना होता है 31.2%, और ये किसमें गिवन है, अंडर सेक्शन 194B। ओके, नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, TDS तब एप्लीकेबल होगा जब वो अमाउंट एक्सीड करेगा 10,000 रुपीज से। ओके, और देखिए इस पे कोई डिडक्शन भी आपको नहीं मिलती है, बेसिकली आपको यहाँ पे कोई भी लॉटरी इनकम, गैम्बलिंग इनकम, हॉर्स रेस की कोई भी इनकम होती है इस पे आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। ओके, चलिए क्लबिंग ऑफ इनकम। सो क्लबिंग ऑफ इनकम का क्या मतलब है, यहाँ बेसिकली आप मान लीजिए इनकम टैक्स से अवॉइड करने के लिए अपनी इनकम, अपनी स्पाउस की इनकम बता रहे हैं या चाइल्ड की इनकम बता रहे हैं, तो यहाँ बेसिकली इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करेगी, जो आपकी स्पाउस की इनकम है या चाइल्ड की इनकम है, अगर उन्हें डाउटफुल लगता है तो उनकी इनकम आपकी इनकम में क्लब कर देगी, सो दैट यहाँ पे एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी आपकी कैलकुलेट की जा सके। ओके, तो इसको कुछ क्लबिंग के प्रोविजंस होते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्लबिंग के प्रोविजन कब कब यूज किए जाते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली देखिए, इन्वेस्टिंग मनी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट इन द चिल्ड्रन नेम। सो आप अपने चिल्ड्रन के नाम पे फिक्स डिपॉजिट क्रिएट कर रहे हैं, तो इस केस में भी हो सकता है। अर्निंग असेट इन द नेम ऑफ रिलेटिव, आपने क्या किया, अपनी असेट को किसी रिलेटिव के नाम पे कर दिया, सो दैट जो भी अर्निंग हो वो उनके नाम पे आए, सो दैट यहाँ पे जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है वो कम हो पाए। तो इस केस में भी जो अर्निंग होगी वो आपकी इनकम के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ओके, क्रिएटिंग सेविंग बैंक अकाउंट फॉर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का सेविंग बैंक अकाउंट खोला, उसके अंदर पैसे डाल दिए। म्यूचुअल फंड फॉर चाइल्ड, शेयर इन द नेम ऑफ स्पाउस, पोस्ट ऑफिस सेविंग फॉर फैमिली मेंबर्स, तो इन सब केसेस में क्लबिंग के प्रोविजन यूज किए जाते हैं। ओके, नाउ क्लबिंग के प्रोविजन के यूज करने के अंदर कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो यहाँ बेसिकली दो चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। क्या बोला गया है यहाँ पे बेसिकली, कि अगर मान लीजिए आप असेट ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं बट उस असेट से होने वाले इनकम को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ बेसिकली आप माना जाएगा कि आप इनकम टैक्स को अवॉइड करने के लिए ये काम कर रहे हैं। ओके, जैसे मान लीजिए आपके पास डिबेंचर्स है, 10,000 रुपीज के डिबेंचर है जिसपे आपको 5% इंटरेस्ट मिलता है। ओके, तो यहाँ बेसिकली आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 500 रुपीज। ओके, सो आप मान लीजिए आप डिबेंचर को नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, डिबेंचर आपके नाम पे है, बट यहाँ पे डिबेंचर पे जो भी आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है आप उसको ट्रांसफर कर देना है किसको, अपने किसी रिलेटिव को। ओके, तो यहाँ बेसिकली आपकी जो रिलेटिव को ये इनकम हो रही है, दैट जो भी इंटरेस्ट इनकम हो रही है वो आपकी इनकम मानी जाएगी फॉर इनकम टैक्स पर्पज। ओके, तो ये होगा आपका ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। सेकेंड आपका रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट। रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट का क्या मतलब है, देखिए आपने कोई भी असेट को ट्रांसफर किया बट यहाँ पे उस ट्रांसफर ऑफ असेट के अंदर जो भी आपका डॉक्यूमेंट था उसके अंदर आपने ये क्लॉज डलवा दिया कि आप उसको कभी भी उस ट्रांसफर को रिवोक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ बेसिकली इस केस में भी क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे जो भी आपने असेट ट्रांसफर किया है उससे होने वाली इनकम को आपकी इनकम माना जाएगा, आपके आपने जिसको ट्रांसफर किया है उसकी इनकम नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये दो कंडीशन है, आप याद रखिए। आपसे डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है कि कौन से सर्कमस्टांस के अंदर बेसिकली क्लबिंग के प्रोविजन को यूज किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, एंड सेकंड क्या है, रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट। चलिए इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड, इसके लिए कुछ प्रोविजन है। किसी भी माइनर चाइल्ड की इनकम अगर 1500 रुपए से कम है तो वहां पे क्लबिंग के प्रोविजन नहीं यूज किए जाएंगे, बट अगर मान लीजिए उसकी इनकम 1500 रुपए से ज्यादा होती है तो उसको पेरेंट की इनकम के अंदर क्लब कर दिया जाएगा। और कौन से पेरेंट के अंदर, देखिए यहाँ बेसिकली आपके मदर या फादर, जिनकी भी इनकम ज्यादा होगी उनके इनकम के अंदर उसको ऐड कर दिया जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए अगर फादर की इनकम 10 लाख रुपीज है और मदर की इनकम यहाँ पे 8 लाख रुपीज है, तो यहाँ बेसिकली फादर की इनकम ज्यादा है तो जो भी माइनर की इनकम होगी वो फादर की इनकम के अंदर ऐड की जाएगी। ओके, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी आपको लॉसेस हो रहे हैं उसको आप सेट ऑफ कैसे कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे बेसिकली जो आपके सेट ऑफ होते हैं ये या तो इंट्रा हेड हो सकता है या इंटर हेड हो सकता है। इंट्रा हेड क्या है और इंटर हेड क्या है, अगर मान लीजिए आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन से लॉस हुआ है, ओके, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लॉस को आप हाउस प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉफिट जो आपको हुआ है उससे सेट ऑफ करना चाहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रा हेड सेट ऑफ। ओके, बट मान लीजिए आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के लॉस को आप बिजनेस एंड प्रोफेशन की ही इनकम से, दैट इज मान लीजिए आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आपके दो बिजनेस हैं, आप एक बिजनेस के लॉस को दूसरे बिजनेस के लॉस के साथ सेट ऑफ करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, इंटर हेड सेट ऑफ। ओके, तो आपका इंटर हेड सेट ऑफ क्या है, अगर आप एक हेड की इनकम को दूसरे हेड के लॉस के साथ सेट ऑफ करना चाहते हैं। सेकेंड, अगर आप एक हेड के लॉस को उसी हेड के दूसरी इनकम के साथ सेट ऑफ करना चाहते हैं तो आपका क्या होगा, इंटर हेड सेट ऑफ। अब देखिए इसको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं कि आप
किसी भी हेड की इनकम को कितना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कितने सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप उसको कौन सी हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिए। देखिए, सबसे पहले आपका लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए, आपको सैलरी से तो कोई लॉस हो नहीं सकता, तो यहाँ पे आपके लॉसेस या तो हाउस प्रॉपर्टी से होंगे या बिजनेस एंड प्रोफेशन से होंगे। तो देखिए, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाले आपको कोई भी लॉस है तो उसको आप नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये 8 ईयर तक ट्रांसफर हो सकता है और ये केवल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ ही एडजस्ट हो सकता है। ओके, सेकेंड आपका नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस को आप 8 असेसमेंट ईयर तक ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये केवल बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम के साथ ही एडजस्ट हो सकता है। ओके, थर्ड आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस, तो इसको आप केवल 4 असेसमेंट ईयर तक ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ ये केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है। अगला आपका कैपिटल लॉसेस। सो कैपिटल लॉसेस को भी आप 8 ईयर तक ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल, जो आपके लॉसेस हैं, इसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, बट जो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस हैं उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ। ओके, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, और कैरी फॉरवर्ड कितना कर सकते हैं, 8 ईयर्स तक। ओके, थर्ड आपका लॉसेस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज। ओके, तो इसको आप 4 असेसमेंट ईयर तक ट्रांसफर कर सकते हैं और यहाँ पे बेसिकली इसको एडजस्ट किया जा सकता है ओनली फ्रॉम इनकम फ्रॉम रिसोर्सेज। ओके, आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइज़।